हरियाणा में बीजेपी ने टिकटॉक स्टार पर चुनावी दाव खेल दिया है। टिकटॉक क्वीन सोनाली फोगाट को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। सोनाली फोगाट के टिकटॉक पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया। विश्व चैंपियन खिलाड़ियों के बाद अब बीजेपी टिकटॉक स्टार को टिकट देकर चुनावी दाव खेल रही है। बीजेपी ने टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को आदमपुर से टिकट देकर कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद सोनाली फोगाट ने कहा है कि टिकटॉक बनाना कोई गलत काम नहीं। इस दौरान उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को आड़े हाथों लिया। मुझे नहीं लगता कुछ उसमें असभ्यता है। टिकटॉक बनाना कोई जुर्म है। टिकटॉक बनाने से मतलब एक महिला चुनाव नहीं लड़ सकती। मैं उससे तो अच्छी हूँ जो विदेश में रह के और राजनीति कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी हूँ। क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहती हूँ। मैं पिछले 5 साल से हरियाणा में काम कर रही हूँ लोगों के बीच। आरी थी मर जानी वा बंदूक बहन के, घोड़ी की जो चल थी वा तैन तैन के। आरी थी मर जानी वा बंदूक बहन के, घोड़ी की जो चल थी वा तैन तैन। राजनीति में आने से पहले सोनाली अभिनेत्री थी और कुछ सीरियल में काम भी किया। टिकटॉक पर वीडियो बनाने का शौक रखने वाली सोनाली फोगाट के टिकटॉक पर फॉलोअर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। अपना तुझे हम बनाएंगे। हिसार जिले में आने वाली आदमपुर विधानसभा सीट भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है। भजनलाल परिवार के किसी भी सदस्य को आदमपुर विधानसभा सीट पर कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। खुद कुलदीप बिश्नोई कई बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कुलदीप बिश्नोई को सोनाली फोगाट पटकनी दे पाएंगे कि नहीं। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया। उड़ते पतंगों में होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दो।